मूवी का स्टार्ट बेल से होता है। बेल सोचती है कि उसके और बीस्ट के बीच कैसे दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बेल बीस्ट की आपस में फाइट हुई हुई रहती है। बेल कैसल के बाहर आती है, बर्ड्स को खाना देती है। बीस्ट छुपके से बेल को देख रहा होता है। बेल सॉन्ग सिंग करते हुए दूसरे एनिमल्स को भी खाना देती है। बीस्ट बेल का सॉन्ग सुन के बेल के पास आ जाता है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। बेल बुक रीड करती है, फिर बेल बीस्ट दोनों कैसल का टूर भी करते हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन्स फिफी पे शिफ्ट होते हैं। फिफी क्लीनिंग कर रही होती है और अपने और लुमियर की फर्स्ट डेट की फिफ्थ एनिवर्सरी को लेके बहुत एक्साइटेड होती है। बेल को कहती है कल सैटरडे है, आपको पता है कल क्या है? बेल पूछती है क्या है। फिफी फिर एनिवर्सरी का बताती है। फिफी बेल को बताती है, कहती है जरूर लुमियर ने कुछ बहुत बिग प्लान किया होगा। बेल कहती है कुछ प्लान किया होगा। बेल ये सब लुमियर को बताती है। लुमियर शॉक्ड हो जाता है, एनिवर्सरी की डेट याद करने लग जाता है। बेल कहती है तुम्हारी एनिवर्सरी इस सैटरडे को है, फिफी तुमसे बिग सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही है। ये सुन के लुमियर पैनिक हो जाता है, क्लीनिंग करने लग जाता है। कहता है बहुत प्रिपरेशन करनी होंगी। लुमियर फिफी के लिए लेटर लिख रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में आग लग जाती है। सब मिलके आग बुझाने का ट्राई करते हैं, बट किसी से नहीं होती। बेला चाहती है और मिसेस पॉट की हेल्प से आग को बुझा देती है। फिर बेल लुमियर को कहती है तुम लेटर क्यों लिख रहे थे, जो तुम्हारे दिल में है वो बोल दो। लुमियर नहीं मानता, गिवअप कर लेता है। बेल कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। लुमियर हैप्पी हो जाता है, कहता है यहाँ नहीं गार्डन में चलते हैं। फिफी बेल लुमियर की बातें सुन लेती है, गलत समझ लेती है। लुमियर बेल को गार्डन में सारी प्लानिंग बता रहा होता है। फिफी चुपके से देख रही होती है, सब गलत समझ रही होती है। लुमियर बेल को एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे मूनलाइट में टाइम स्पेंड करेंगे। बेल कहती है ये परफेक्ट है। बेल लुमियर को कहती है मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, मैं वो लेटर में लिख देती हूँ। लुमियर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिफी सब गलत समझ लेती है और सैर होकर चली जाती है। लुमियर प्रिपरेशन देख रहा होता है, फिफी आ जाती है। बेल लुमियर को बुलाती है, लुमियर चला जाता है। फिफी रो रही होती है, मिसेस पॉट फिफी को देख लेती है। फिफी मिसेस पॉट को सब कुछ बताती है। बेल लुमियर बिजी होते हैं, फिफी कॉक्सवर्क को इम्प्रेस करती है ताकि वो लुमियर को जेलस कर सके। बेल कहती है फिफी क्या कर रही है। लुमियर कहता है अपना काम नहीं कर रही है। सब चले जाते हैं, फिफी भी गुस्सा होकर चली जाती है। बेल लुमियर बहुत एक्साइटेड होते हैं। बेल कहती है आज की नाइट तुम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। फिफी डिसाइड कर लेती है वो सेलिब्रेट नहीं करने देगी। फिफी स्लेक की रोप को लूज कर देती है। फिफी कहती है अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। फिफी कैसे छोड़ के जा रही होती है, बेल फिफी को स्टॉप करती है। लुमियर भी फिफी को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाता है। फिफी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि लुमियर ने सब उसके लिए प्लान किया है। फिफी लुमियर बहुत अच्छे से अपनी डेट एंजॉय करते हैं। बेल मिसेस पॉट दोनों को देख के हैप्पी होते हैं। फिर लुमियर फिफी स्लेक पे जाते हैं। लुमियर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला होता है, बट स्लेक की रोप टूट जाती है। लुमियर फिफी डेंजर में होते हैं। लुमियर कहता है हमें हेल्प बुलानी होगी। दोनों हेल्प मांगते हैं, बेल को उनकी वॉइस सुनाई देती है। बेल कहती है सब डेंजर में है, हमें हेल्प करनी होगी। लुमियर फिफी क्लिफ से नीचे गिरने वाले होते हैं। बेल कहती है डोंट वरी। फाइनली फिफी सब कुछ बता देती है, लुमियर को बताती है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। लुमियर भी फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। सब नीचे गिरने वाले होते हैं, बट बेल सब कुछ सेव कर लेती है। लुमियर फिफी के बीच सब ठीक हो जाता है। मिसेस पॉट बेल को कहती है फिफी ने तुम्हें गलत समझा। बेल कहती है समटाइम्स जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।